तो आज अपन लोग दोबारा खेलने वाले हैं पैल वर्ड, और आज की इस वीडियो में अपन लोग ब्रीड करने वाले हैं गेम के स्ट्रॉन्गेस्ट पैल को वीकेस्ट पैल के साथ। अब अगर मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पैल की बात करें तो वो है अपना नाइटमेयर एके जेट ड्रैगन, जिसको भैया मैंने बहुत सारी इंचार्टमेंट दे रखी है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो देखो, लेजेंड, फेरोशियस, डिवाइन ड्रैगन एंड मसल हेड। अब वेल इसमें लकी और होती तो भैया स्वाग, बट नहीं है, नेवर माइंड, हो जाएगी जो अपना अगला बंदा बनेगा उस पर मेरे हिसाब से हो जाएगी। बट अभी के लिए निकल लेते हैं अपने ब्रीडिंग फार्म की तरफ। एंड बाय द वे, ये विक्ट्री पर ही मैंने अपना ये बनाया था लास्ट टाइम, तो मैं सोच रहा हूँ भैया यहाँ पर कुछ बनाया जाए। लाइक ये पूरी जगह तुम देख सकते हो कभी प्लेन है भाई, तो यहाँ पर अपन लोग कुछ भी बना सकते हैं, लाइक अपना बेस, ब्रीडिंग फार्म, कैसा भी फार्म। बोल तुम कमेंट करके बता देना अगर तुम्हें चाहिए हो तो। बट उससे पहले एटलीस्ट वीडियो में भैया 700 या फिर 800 या नहीं 1000 यस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट कर देना, देन अपन लोग यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे अपना कुछ ठिकाना वगैरह एक्सेट्रा, है ना। और अभी के लिए निकल लेते हैं अपने ब्रीडिंग फार्म की तरफ, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है अपने को, बहुत सारा। ओके तो बल भैया अगर बात करें अपन स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट की, तो मेरे हिसाब से जो गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मेरे पास गेम का नहीं, मेरे पास, ओके, तो मेरे पास है भैया सबसे पावरफुल नाइटमेयर है। नारुतो है बट उतना ओपी नहीं है जितना अपना नाइटमेयर है। ओके एंड बात करें पैलेडियस की, तो इस पर वर्क किया नहीं मैंने, तो ये भी काफ़ी अच्छा है ना। सोचते हैं इसके बारे में, सोचते हैं ब्रो, अभी के लिए तू वापस जा। ओके तो एक काम कर लेते हैं, अभी के लिए अपन अपने नाइटमेयर को निकाल लेते हैं बाहर। वेल ब्रो तू डोल ये छोरा है बाय द वे, हाँ, तो इसके साथ मैं ब्रूड कराने वाला हूँ कोई भी सबसे वीकेस्ट वाला, है ना। तो अगर सबसे वीकेस्ट की बात करें तो भाई गेम में सबसे पहले कौन सा पोकेमोन मिलता है अपने को, वही चलते हैं, वही से दबोच लाते हैं किसी को, है ना। अब वेल मेरे हिसाब से जो गेम का सबसे वीकेस्ट पोकेमोन है वो है अपनी चिकपी। मैं ये स्टार्टिंग वाला एरिया है और यहाँ पे जो भी अपने को पहले दिख जाएगा ना वही वीकेस्ट है, क्योंकि वीकेस्ट ही स्टार्टिंग में इजिली मिल जाते हैं। ओके तो वहाँ पर भैया एक लैम्प बॉल डोल रहा है, और उसके अलावा अपनी चिक भी यहाँ पर नहीं है, मतलब तुम कह सकते हो अपना लैम्प बॉल भैया सबसे वीक पोकेमोन है गेम का, लेवल 1 का है। आ जा ब्रो, या ये बहुत वीक है भाई, इस पे मैं आता पाई कर भी क्यों रहा हूँ भाई यार। ले भाई अरे ओए, मैंने कहा भैया मेरे टक्कर देगी मर गया कि किसी बात हो रही है यार। और राइट सो मैंने अपन ने एक लैम्प बॉल पकड़ लिया, इवन तो मेरे पास था भी नहीं, देख रहे हो विडंबना। ओके तो अब निकल लेते हैं वापस से अपने ब्रीडिंग फार्म पर, और वहाँ जाकर अपने लैम्प बॉल और अपने जेट ये छोरा है छोरी, पहले मेरे को ये कंफर्म करवाओ। ओह थैंक यू सो मच, तू छोरी है भाई, अगर छोरा होता तो मेरी खोपड़ी भभक जाती, कि जरूरत हो तो भाई लिटरली सिर्फ छोरी ही छोरी मिलती है, और जब नहीं हो तो छोरा मिलता है, मतलब कलेश देख रहे हो तुम। हाँ तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो कौन सा एरिया, हाँ ये बार खाली पड़ा है, ठीक है वहीं पर ले लेते हैं। और गाइस 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 चिल आउट, ओके चिल आउट, अभी के लिए मुझे यहाँ पर ब्रीडिंग करनी है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो गाइस, तुम्हें मैं बाद में ज़रूरत पड़ने पर अगेन बुला लूँगा, बट नॉट येट, अभी आराम करो सभी मिलके, है ना। एंड वेल उसके अलावा क्या आपने को भैया अपना ये हटाना चाहिए यहाँ से अपना वुड फार्म, रहन दो यार, वैसे मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा नीड है नहीं है इसकी हटाने करने की, तो रहन दो। ओके तो अपने लैम बॉल को यहाँ पटक लेते हैं ब्रो, मिस्टर कपकेक, अरे ओए बाप रे यहाँ पे आ, कहाँ भग रहा है भाई, बाबला एक जेट ड्रैगन भाई किसी का सगा संबंधी नहीं है, ठीक है पता चला तेरे को गुड़का था ले गया यहाँ से भाई, गूगल पे सर्च करता ढूंढूंगा देन तेरे को, औकात और मर्यादा में रह ले ब्रो एक्चुअली, है ना। हाय वेट 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 वेट, अरे मेरे पास यहाँ पे भैया शाइनी पड़ा तो है, अरे रुको एक मिनट, ये छोरा है जो, अरे ले इसे कहते हैं कसम से बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, भाई मेरे पास शाइनी में लैम्प बॉल पड़ा है तो मैं उसको काहे लूंगा भाई, ब्रो गेट आउट, या तेरी नीड नहीं है ये शाइनी, साइज देख रहे हो कितना बड़ा है इसका, उससे तो भैया डबल ही मार लो। एंड व्हाट आर यू एग्जैक्टली डूइंग दीदी, हैं यहाँ क्या कर रही है तू, अच्छा मेरा वो
ऐसा ही है, उसके अंदर कोई कहाँ मतलब अलग ही पंगे। ओए हाँ हाथ भाई, आज शरीफा ही से हाथ आ गया, दरवाजे से बंदा हाथ आता नहीं है। ओके चलो जो भी हो, यहाँ आ जाओ गाइस, दोनों मिलकर ब्रीडिंग करो। एंड जो भी इनका भैया आज पावरफुल बंदा निकलेगा ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रीडिंग करके छोड़ देंगे अपन, ना 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 बॉयज एंड गर्ल्स, इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे एंड देन जो ब्रीडिंग से अपने को पावरफुल बंदा निकलेगा, जो भी कोई भी बंदा हो है ना, उसको अपन गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनाएंगे, मतलब वीकेस्ट हो कैसा ही हो, जो मतलब इन दोनों की ब्रीडिंग से जो बनेगा ना उसको अपन देन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे जितना हो सके उतना। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के बाद यू नो द ड्रिल एक्चुअली है ना, गेम के जितने भी नहीं काफ़ी है एक्चुअली, तो मतलब जो जो बॉसेस रह रहे हैं लाइक ये एंड मतलब एक दो स्ट्रॉन्ग बॉसेस लाइक अपना एस्ट्रागोन, अपना ये ब्लेजमर्ट, यस इन्हीं तरह के बॉसेस के नाल बैटल भी लड़ेंगे। और भाई जब उसको पावरफुल बना रहे हैं तो उसकी शक्तियों का भैया इस्तेमाल भी तो करना चाहिए ना, मतलब तभी तो मालूम चलेगा कि भैया क्या है क्या नहीं है। और ये अपना अंडा तैयार होने वाला है जो हो गया, ग्रीन कलर का है भाई, यानी ग्रास टाइप। और ये ह्यूज है ओ भाई, हाय हाय मेरी इन्वेंट्री, मम्मी वो हंसता है किस देश काहे मेरे संग ये हो रहा है भाई, मेरी इन्वेंट्री के एल लगे पड़े कसम से। कम ऑन गाइस, आओ पेटेलिया। ओके और भैया कहाँ है तेरे पास स्किल बहन? ओ तेरे पास बेकार स्किल्स हैं मेरे को भैया। अच्छा वेट करो, मेरे पास शाइनी में पटेलियाँ पड़ी है ना, मेरे को जहाँ तक याद है मैंने पकड़ी थी एक, नहीं मेरे पास नहीं है। ओके कोई बात, ठीक है क्या ही कर सकती, लीव करो। ऑल राइट तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर इनको ब्रीडिंग करने देती हैं। और राम ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ट्रस्ट मी यार। Much later. चलो यहाँ देख लेते हैं भैया इन दोनों ने मिलके कितने अंडे तैयार किए हैं। तो 7 अंडे, अरे कम ऑन यार, तुम लोगों की प्रोडक्शन स्पीड तो बहुत बर्बाद है भाई, अरे मेहनत करो थोड़ी यार, जिंदगी में कुछ करना है तुम लोगों को यार, ऐसे मतलब ऐसे 6-7 अंडे बना के थोड़ी ना काम चलेगा। फेरोसियस एंड लकी मिल गया अपने को यार, नॉट बैड, सही है, बेस्ट एक्चुअली है ना। मोटिवेशनल नहीं चाहिए भाई यार, बहुत पड़े हैं मोटिवेशन लीडर आजकल, मोटिवेशन लीडर डिवाइन लकी फेरोसियस डिवाइन, वेल मेरे को लकी फेरोसियस चाहिए, उसके अलावा अदर चीज़ें चाहिए, ये नहीं डिवाइन ड्रैगन नहीं चाहिए तेरे पे बहन। लेजेंड एंड बन गया काम, ऑलमोस्ट बन गया काम, अगर भैया अब कुछ भी नहीं निकला ना, बस इन दोनों को भगा रहा हूँ मैं, लकी डिवाइन ड्रैगन मोटिवेशन नहीं बह, कम ऑन मसाले लेजेंड डिवाइन यार क्यों, वाई मोटिवेशन बैन कार्ड। एक काम करो गाइस, तुम लोगों ने बहुत ब्रीडिंग कर ली, थक गए होगे ना, आराम कर लो थोड़ा सा है ना, मुझे फील हो रहा है कि तुम थक चुके हो। ओके नेवर माइंड, जहाँ पर भी अपनी पटेलियाँ पड़ी हैं उनको सबको यहाँ पर पटक के लाओ। लेजेंड एंड मसल एड ये एक जोड़ा हुआ एंड अनोदर हुआ अपना लकी फेरोशियस मोटिवेशन, नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, पता है लकी एंड फेरोशियस वाले अलग से पड़े हैं मेरे पास बंदे, दो एक्चुअली है ना, सो मेरे को वही चाहिए, बट कहाँ है, हाय भगवान कहाँ है पटेलिया दीदी, वेर आर यू, आओ नहीं नॉट दिस, एक ही रही, डेफिनेटली तू तो नहीं है, तेरे पास है ही नहीं कचू यार, मरी पड़ी है तई, अरे कम ऑन भाई मेरे को अच्छे से याद है यार, एक अपने वो लकी एंड फेरोशियस वाला बंदा मिला है, बंदा बंदी वाड़े वर जो भी हो मिला है एक्चुअली है ना, अब पता नहीं कहाँ पे खो गया। एक काम करते हैं इसको पैर डेक्स वाइज कर देते हैं, अब मेरे हिसाब से वो पा जाएगी अपने को, ठीक है दीदी पाई जाइयो, बस इरिटेट तो कर जो मत है ना, एंड देर इतनी सारी मोटिवेशन नहीं चाहिए, तू भी नहीं है। और फिर ओए आओ वेट पर, कम ऑन वेट इन, ये क्या है, ये अपनी छोरी है एंड ये भी छोरी है,
हाय राम, कम ऑन दीदी, चली जा यार। तू एक्चुअली मेरे साथ रहेगी, ठीक है? तेरे पास है लेजेंड एंड मसल हेड, ओके? सो यहाँ आ जाते हैं और लकी एंड फेरुशियस को अपने पास रख लेते हैं, ओके? अब इसके अंदर अपना नाइटमेयर ढूंढना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ है। और अरे राम, अब ढूंढो उसको, कहाँ मिलेगा मेरे को तो। भाई कम ऑन, ये टाइम वाली बात हो गई। कम ऑन, वेयर आर यू नाइटमेयर ब्रो? आ यार, कहीं पे आसपास या मिल गया, थैंक यू। तो तू आ जा यहाँ पर, एंड बात अगर उसकी तो उसको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि वो शाइनी है भाई, दूर से ही पता चल जाएगा कि यही है। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर इनको ब्रीड कर। ओए ओए, कहाँ जा रहा भाई? क्यों जीवन से हताश है यार तू? लैम्बो तो लैम्बो जीवन परेशान कर रही है मेरा, बताओ यार। ठीक है, यहाँ पर सर जा, एंड मैं तेरे जोड़ीदार को ला रहा हूँ। और बात करें पटेलिया की, तो थोड़ी देर भैया इन दोनों को ही ब्रीडिंग करने देते हैं, देन अपने पास काफ़ी सारी पटेलियाँ हो जाएंगी, देन मेरे हिसाब से अपना काम बन जाएगा। एंड तू प्रो फंस चुका है। ए ये ब्रो, चल चल काम पे ध्यान दे ले अब। 20 minutes later. All right, तो मेरे हिसाब से इतना टाइम काफी होना चाहिए। यहाँ पर तुम देख रहे हो दुनिया भर के अंडे हो चुके हैं भाई, काफी सारे। तो भैया फटाफट इन सारे अंडों को अपन लोग हैच कर लेते हैं और उम्मीद कर लेते हैं कि इसके अंदर से जो चाहिए वो मिल जाए। अपने पास 11 अंडे हो चुके हैं टोटल, एंड अभी तो और बच रहे हैं। गाइस गाइस गाइस, इसको कौन सा वाइब्रेशन आ रहा है? इग्नोर इट, नेवर माइंड। यहाँ आ जाती है और पहले तो इन सारे अंडों को हैच कर लेते हैं, जिसमें मोटिवेशन लीडर नहीं चाहिए मेरे को, प्लीज नोट दिस यार। डिवाइन, लेजेंड, लकी, यार मेरे को एक काम की चीज मिलेगी क्या? प्लीज एक, बस नहीं, प्लीज एक काम का। डिवाइन ड्रैगन नहीं चाहिए, डिवाइन ड्रैगन प्लीज। लेजेंड, अब नॉर्मल, चलो ठीक है। वैसे मसल लेजेंड मेरे को बताऊं, लकी एंड फेरोशियस में एक छोरा मिल जाए, दैट्स ऑल। सिर्फ फेरोशियस नहीं, लकी एंड फेरोशियस, ओनली लकी एंड फेरोशियस। लकी मोटिवेशन यार, भाई एक तो मुझे लगा है अपने को ये लैम्बोल बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अरे हाँ ना यार, लैम्बोल ही बदल दे ले। कितना बेवकूफ हूँ ना मैं, राइट? मतलब मैं भाई ये भी तो कर सकता हूँ ना, और देखो इसमें स्विफ्ट है, मसल एड प्लस स्विफ्ट, वाह गजब। एक काम कर लेते हैं अपन लोग, अपनी इस लैम्बोल को ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि देन जो अपनी दूसरी वाली होगी ना, वो अपने इस जेट्रागोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी और इसी ही की सारी स्किल्स को यहाँ पर निकाल देगी। वैसे तो मेरे को उम्मीद ना है भाई, ना वैसे तो मेरे को 0% उम्मीद है कि अपने को कुछ भी काम का मिलेगा। ओह लेजेंड एंड फेरोशिया, ओहो नॉट बैड नॉट बैड, नाइस। एंड बेस्ट भाई बेस्ट, लेजेंड, मसल एड, लकी। ओ अब बस फेरोशियस और मिल जाए, स्वाद आ जाएगा। मिले तब ना, मिले तब ना, कम ऑन, नॉट दिस लेजेंड, नहीं फेरोशियस। अरे डाइट लवर क्यों दे दिया यार, इसको हटा दो यार, ऐसे पारना पड़ेगी एक्चुअली, है ना? देखो ये वाला तो भैया पैसे भी अच्छा है, ओके, क्योंकि इसके पास कोई भी यूजलेस स्किल्स नहीं है, एक सन लवर है बस वो। खेर ओए कहाँ यार है तुम्हें को यार, अरे इधर क्या मौत आ रही है तुम लोगों को भाई, मैं देखना चाहता हूँ ये कहाँ जाना क्या। मजदूरी, हाँ मतलब पैदाइशी मजदूर है तो मजदूर ही करेगा, चलो ठीक है बस यहाँ पे चल। एंड ये मेरे को दे दो, एंड इसको हैच कर लेते हैं। और I don't have any feeling lucky, ferocious, divine. Okay, not bad, not bad. अच्छा वेट करो एक मिनट, अपने को थोड़ी बहुत चीज़ें मिली है ना, वो चेक कर लेते हैं। लाइक यहाँ आ जाते हैं और हियर लेजेंड मसल एड एंड लकी, ये छोरा है एंड लेजेंड मसल एड नहीं चाहिए मेरे को, ferocious है लकी, ये भाई साहब काम बन गया। बट एक्चुअली वेट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि भैया ये दोनों मिलके जो अंडा बनाएंगे, क्या उसके अंदर भी अपने को यही सब मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि उस वाले पे कोई इंचांटमेंट नहीं है।
That's why. अब भैया जो भी मेरे को उम्मीदें हैं ना बस इसी ही अंडे से है, प्लीज कह दो कि इस अंडे में से वही निकलेगा जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को चाहिए प्लीज। अजय भाड़ में जाओ यार, सारा कोई भी तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, आग लगाओ सब में। एक काम करते हैं, इन दोनों को फेंको। नहीं नहीं एक्चुअली बीट करो, अरे शिट 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 शिट, अरे मेरा मेरा जेट्रागन नहीं ना यार, मेरा उसको बाद में ढूंढेंगे। अब नहीं एक्चुअली है ना, लकी लेजेंड मसल हेड प्लीज यहाँ जा ब्रोदर, एंड लेजेंड एंड मसल हेड नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए लाओ फेरोशिश एंड लकी, यस डेफिनेटली। ओहो छोरी आ जा इधर आ, अरे कहाँ जा रही मजदूरी करने के लिए दीदी, तू हमारे नाल चलेगी, तू हमारे साथ मजदूरी करेगी। एंड ऐसा नहीं लग रहा इसको लेके जा रहा हूँ जैसे ऐसा लग रहा जाए झाड़ लेके जा रहा हूँ। एंड भाई मतलब पैदाइश ही मजदूरों से बत्ते हैं, अरे दीदी रहन दे यार, तुम लोग मतलब उम्मीद हो मेरी, बच्चे पैदा करो मेरे लिए, ये क्या तुच्छ मजदूरी जैसे काम कर रहे हो भाई। ओके सो इसके पास है अपने लेजेंड लकी एंड मसल हेड, एंड इसके पास है अपना फेरोशियस एंड लकी। तो भाई भैया मेरे हिसाब से जो अपना बंदा बनेगा वो परफेक्ट पावरफुल बंदा बनना चाहिए, राइट। ऑल राइट फाइनली अपने को वो मिल चुकी है जिसकी अपने को तलाश थी, अपने को भैया एक परफेक्ट फ्रॉस्ट्रेलियन पटालियन या अपने को एक परफेक्ट पटालियन मिल चुकी है। एंड अभी तो और भी मिलेंगी क्योंकि ये कॉम्बो बेस्ट है भाई इन दोनों का, क्योंकि दोनों ही वो सारी इंचांटमेंट रखती हैं जो अपने को चाहिए, तो उसके बाहर मतलब मिलेंगी, ऐसी नहीं ये नहीं मिलेगी बट कम मतलब हाँ इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अपने को मिल गई जो अपने को चाहिए थी, तो अब मैं फटाफट इन अंडों को भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि कंप्रेस भी तो करना है ना अभी, वो भी है कलेश। देन इसके बाद अपन लोग इनको क्या बोले इनकी पावर को इंचांट करेंगे, और देन या फाइनली अपना टाइम आ चुका, अपना काम बन जाएगा और फिर अपन बढ़ाएंगे सभी से, सभी से कहते डोलेंगे आओ लड़ाई करो उनसे, वी आर रेडी टू फाइट, देखते हैं। चलो ये अंडा हो गया अपना, इसके अंदर अपने वो लकी मिला, वाल नहीं चाहिए ये, अब इसके अंदर सारी मिलेंगी अगेन, नेवर माइंड छोड़ो, नो नीड टू वरी। चेस्ट स्पॉन हो गई, ओह ग्रेट, एक काम कर लेते हैं इन दोनों को हटा दो एंड चेस्ट चुगलो पहले तो, क्योंकि क्या पता इसमें कोई अच्छा सा स्कैमेटिक मिल जाए। और उसके अलावा मैं ऑफलाइन भैया डंजन क्लियर कर रहा था और मेरे को एक बहुत सही चीज़ मिली है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वेट करो, बट इनको ओपन कर लेती हैं, क्या पता इनमें मिल जाएगा जो काम का, नहीं नहीं आई गेस, रहन दो। हाँ तो क्या दिखाने वाला था मैं तुम्हें, यहाँ देखो मैं ऑफलाइन भैया डंजन क्लियर कर रहा था एंड मेरे को मिली सिंगल शॉट राइफल स्कैमेटिक 3। यस अब ये पता नहीं मेरे को सिंगल शॉट वगैरह क्या है, बट मैं सोच रहा हूँ काम कर लेते हैं पहले इसको, फटाफट घर चल के बना लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और उससे पहले यहाँ जाते हैं, नहीं यानी आते हैं पहले तो यहाँ आते हैं और इन दोनों को पटको, और जो अपनी पटैलियन है पूरी इंचार्टमेंट वाली उसको लो, और उसको पहले तो स्ट्रॉन्ग बना लो जो है अपनी कौन सी है दीदी, ओ हाँ ये वाली, ओके तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहाँ गया, ओ देयर, हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया इनको कंप्रेस कर लेते हैं क्योंकि देन अपनी दीदी और भी पावरफुल बन जाएगी बहुत ज़्यादा। और वेल भैया अपने को डरने की नीड नहीं है कि भाई कोई अपनी बेस्ट बंदी चल जाएगी, सारी गार्बेज है उतनी अच्छी नहीं है तो चलने दो, कोई कलेश नहीं है ठीक है। ये लो अब व्हाट द हेक, वेट करो एंड वेल अपने को भैया 10 और चाहिए और देन अपनी भैया ये पटालियन लेवल 3 की हो जाएगी, 3 स्टार एक्चुअली, अभी के लिए सिर्फ अपन इसको 2 स्टार कर सकते हैं, तो यप 2 स्टार भी मेरे सबसे सही है अभी के लिए है ना, बाद में किसी दिन जब मूड बन जाएगा देन इसको अपन अगेन ट्राई करेंगे, बट अभी अभी के लिए तो जो है सो यू ही है। ओके अभी काम वेट नहीं रहने दो, या नहीं चाहिए ठीक है, घर चलती और अपनी इस पटालियन को भैया जितना हो उतना, अच्छा वेट करो ना अपन पहले इसको अपना ये ट्रेनिंग मैनुअल दे देते हैं और मैक्स कर देते हैं। वेल मेरे पास बहुत पड़े हैं, लेवल अप तो इंस्टेंटली भाई लेवल अप का कलेश नहीं है, ये ट्रेनिंग मैनुअल वाला सीन काफ़ी अच्छा है गेम के अंदर भाई, नई चीज पसंद जहर भाई ठीक है। पहले तुम्हें पता है ना भाई 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तो इसी ही में लग जाता था, बट अब पहले से बेटर है, काफ़ी बेटर है बहुत ज़्यादा। ओके एंड ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग हियर,
छोटो उसको इग्नोर कर देती हैं, यहाँ आ जाती हैं और लिंक इनफ नहीं है रहने देती, यहाँ आ जाती है अभी बटालियन को पहले तो अपग्रेड कर लेती। ऑल राइट तो वेलो, ये अपनी ये चोरी हो चुकी है, मैक्स अपग्रेड, इसका अटैक मैक्स कर दिया और एक्चुअली इसका डिफेंस भी कर ही देते हैं। इवन तो आई नो कि उसकी नीड ही नहीं पड़ने वाली मेरे को, क्योंकि अब तुम्हें लगता है कोई भैया इसके अगेंस्ट में टिक पाएगा, बट स्टिल मतलब कहते हैं ना भैया ओवर कॉन्फिडेंस किल, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, इसका डिफेंस भी मैक्स अपग्रेड कर लेती हैं और देन चलते हैं युद्ध लड़ने। और एक्चुअली रहन दो, डिफेंस नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके ऑल राइट सुमन भैया, अब निकल लेते हैं अपन लोग फाइट करने के लिए। तो बट पहले अपन लोगों को फाइट करनी होगी वन बाय वन करें तो अच्छा रहेगा, है ना। ओके ठीक है, पहले चलते हैं मेमो रेस्ट के साथ फाइट करते हैं, ग्रास वर्सेस ग्रास। ओह वेल, लेट्स सी के कैसा होने वाला है ये घमासान युद्ध। पटालियन पटालिया 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 पटालिया। ओके हाय सर, व्हाट्स अप, क्या आप मेरे साथ फाइट करना चाहोगी। हाँ जी सर, मैं उसके पास नहीं जा पा रहा। लगी 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 सर, ये लो दीदी के नाल फाइट करो, वो इतना बड़ा दीदी इतनी छोटी, क्या होगा भैया इस फैसला इस युद्ध का फैसला। ओके हाँ, अगर दीदी को फायर टाइप अटैक होते तो ये इसके अभी ये लगा देती, बट भाई ये ना ग्रास वर्सेस ग्रास थोड़ा वीक पड़ जाता है, बट स्टिल दीदी भैया साइज के हिसाब से गंदा फूट रही है। ठीक है भाई, छोटी सी छोरी इतना बड़ा एलिफेंट उधेड़ रही है, और इवन तो वो तो एलिफेंट भी ना है, मैमत है जब भी तो उसका नाम मेमोरेस्ट है। यस दीदी मार दे यार, आई गेस मुझे दीदी को फायर टाइप अटैक भी देने पड़ेंगे, देन ही मेरे हिसाब से कुछ भला चंगा हो पाएगा, है ना। एंड उसके अलावा भैया दीदी के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी मदद से अपन अपने आप को हील कर सकते हैं। यस सर, डैमेज दो मुझे थोड़ा। नहीं 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 दीदी, गुड जॉब या इसीलिए तो मैंने तेरे को फाइट करवाई थी, मतलब तेरी तो कोनो गलती ना है, बट मतलब थोड़ा मतलब दीदी कॉम्प्रोमाइज करके लिया कर तो अच्छा रहेगा। ओके ऑलराइट, तो मतलब ये तो ओवर हो गया अपना मेमोरेस्ट, अब एक्चुअली काम करते हैं अपन बैटल लड़के आते हैं टावर में, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ग्रास टाइप अपने क्या बोले इलेक्ट्रिक टाइप के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं, नहीं ग्रास होते हैं वाटर होते हैं, मैं भूल गया, जहाँ तक मुझे याद है ग्रास टाइप फायर के इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। ओके नेवर माइंड, अभी पता चल जाएगा है या नहीं है ना, दीदी फूंक देगी इसका मुर्दा जीवित का एक्चुअली। सो ये ले प्रो फाइट विद दीदी एंड ओके लेट्स सी, दीदी मार ले। ओ भाई 7000 का डैमेज एंड ओ दीदी उधेड़ रही है भाई गंदा वाला, 30000 HP छोड़ेगी, बट स्टिल दीदी ना भैया कि मेरे पास आ निठोरे इधर आ, तेरे को मैं बताती हूँ इधर आ। नाइच दीदी नाइच, यू आर वे टू मच स्ट्रॉन्ग, बट तू इसके भी अगेंस्ट में दीदी उतनी पावरफुल है नहीं, अब तेरे लिए कोई दूसरी कैटेगरी सोचनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। भाई पटेलिया अपनी स्ट्रॉन्ग तो है, बट इसके अगेंस्ट का कोई बढ़िया सा ओपोनेंट नहीं मिल रहा अपने को, है ना। अब मैंने भैया अभी गूगल पर सर्च किया, मैंने को मालूम चला कि अपनी पटालिया के लिए परफेक्ट ओपोनेंट होने वाला है अपना अनुबिस। जी हाँ, क्योंकि भैया अपना अनुबिस एक स्टोन टाइप है, बोले तो चट्टान टाइप, स्टोन टाइप मान लो स्टोन टाइप है ना, एंड वेल अपनी पटालिया है ग्रास टाइप, दैट्स वाई पटालिया इसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो Hey, let's go, try करते हैं actually, है ना। And well, उसके अलावा sorry, but last episode जो अपन ने mode install किया था वो remove करना मैं भूल गया, मतलब I know मैंने कहा था मैं कर दूंगा, but मैं भूल गया actually, है ना। कोई बात नहीं, बाद में मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, just trust me, मैं कर दूंगा। ओके अभी के लिए Anubis के नाल फाइट कर लेते हैं। Mr. Anubis brother, are you ready? पटालिया तेरे लिए बहुत ही पावरफुल है सर, तेरे को कूट देगी सर, बहुत गंदा वाला एक्चुअली, है ना। हाय सर, प्लीज हग मी, जादू की जप्पी सर, अहो ये ले फाइट कर, एंड लेट्स सी कि कौन कैसी फाइट करता है। या पटेलिया है स्ट्रॉन्ग भाई, एक ही मूव में उसके HP के L लगा दिए, खा जाएगी छोरी इसको। ओ भाई क्या डैमेज दिया है,
ओह भाई मेरे नहीं, उसके लिए उसी से फाइट कर तो अच्छा रहेगा, है ना। हे नॉट बैड, पटेलिया बुरी नहीं है भाई, अच्छा मार रही है ना। सर कैसा लगा आपको जलवा हमारी दीदी का, है छोरी पावरफुल है ना, है। अबे अरे भाग जा ससुरे। यार सही में यार पटेली अच्छी है यार, है ना। मार तो चौका रही है भाई छोरी बहुत ज्यादा। ए गाई लग जाएगी सर, ऐसा ना करो। एंड यू आर डेड सर, है ना, चला जा। है मैं सर पकड़ने वाला था आपको यार, मैं जीवित ले जाता हूँ आपको अपने साथ, बट आपको तो मरने का शौक आ रहा था, मरो देन तो। व्हाटएवर, ये ले लेते हैं इसके अंदर अपने को स्मॉल सोल मेगा स्पीयर व्हाटएवर, ये सब नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए एक काम करते हैं अपन, अपने उस क्या है उसका नाम, उससे फाइट करके आते हैं अपने ब्लेज मट। इवन दो आई नो कि भैया अपनी पटेलिया ग्रास टाइप है उसके अगेंस्ट में गंदी वाली कुटेगी, बट स्टिल भाई उससे एक बार ट्राई कर लेंगे। और दूसरी बात, इनवेट यहाँ कौन मिलने वाली है अपने को, क्यूब्रेन, हाँ ड्रैगन टाइप है, इवन दो ये करें इससे फाइट, कर लेती है, चलो कर लेती, क्या जा रहा है जब भैया रास्ते में मिल गई। मेरे को अभी अभी ऐसा लगा बाहर से मेरे को शाइनी पोकेमोन की आवाज आ रही थी। अब तो क्या ही कर सकते हैं। हाय दीदी, व्हाट्स अप दीदी, यार टेक इट। उसका लेवल कम है तो इजीली मर जाएगी, है ना। या खत्म भाई खत्म। दीदी आजा, दीदी हाथ आजा, दीदी ए दीदी मर बेमौत मारी जाएगी दीदी, आता जा रही ले ससुरी। हाँ इवन तो इसको पकड़ के मैं क्या ही करूँगा, बट ले चलो, है ना। ओके दीदी को कैप्चर कर लिया गया है, अब चलते हैं अपन ब्लेज मठ के पास, क्योंकि वो मेरे हिसाब से परफेक्ट अपोनेंट रहेगा अपने लिए। हेलो ब्रदर, व्हाट्सअप, तो क्या तुम मेरे साथ, ना 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 ना, ना। मेरी पटेलिया के साथ फाइट करना चाहोगे। एंड वेल इसको डिफीट करने के बाद अपने को क्या बोले वो चेस्ट मिलेगी, एंड नसीब रहा तो चेस्ट के अंदर से कुछ काम का भी मिल जाएगा। एंड वेल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये इसको कूटेगा, ये इसको गंदा कूटेगा भाई। एंड नहीं एक्चुअली ये इसको मार देगी भाई, देखो लिटरली आउट ऑफ एलिमेंट फाइट चल रही है। वो फायर ये ग्रास वो स्ट्रॉन्ग है इसके, बट स्टिल अपनी पटेलिया अच्छा कूट रही है 1200। ओके मुझे आई गेस ये अटैक्स नहीं खाने देने चाहिए इसको, है ना। ये इग्निस रेज थोड़ा तगड़ा अटैक है भाई, इससे बच के रहना पड़ेगा अपने को भाई। आधी एच पी कर दी, एंड वापस 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 दीदी ये, ओहो मम्मी ये वाला अटैक खेला था भाई, खत्म कर दिया था। वन शॉट था भाई वो, उससे बच के। या अंकल आई एम हियर। हाँ ये छोटे मोटे अटैक्स तो तेरा ब्रो उसका कछू नहीं कर पाएंगे, बट बड़े बड़े अटैक मत करना बस, लाइक इग्निस रेज लावा बोल, ये थोड़े कैडे अटैक है सर आपके, तो इनसे बच के थोड़ा, है ना। एंड दीदी मार दे उसको, वो ख़त्म कर देगा भाई मौत तो तेरे को फिर। एंड अब ये इग्निस रेज देगा, मैं तुरंत इसको अंदर रख लूँगा, मैं कहूँगा नहीं दीदी बस बहुत फाइट। अरे 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 दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं। भाई 1200 डैमेज है, मजाक से अटके है ना, तो वो नहीं। छोटे मोटे अटैक ठीक है, बड़े बड़े नहीं एक्चुअली, है ना। अच्छा ये लेते हैं ना यार अपन ब्लैसिंग ऑफ फ्लोवर। अरे खुद पे ले बेवकूफ छोरी, हे मेरे साथ नाच हो रही है बताओ। आय हाय क्या होगा तेरा बहन, नहीं मतलब बुरा नहीं है यार। ओ दीदी ये नहीं, ये वो नहीं भाई, वो थोड़ा ओपी अटैक है उसका, है ना। दीदी मार, अरे उसमें तो आग और लग गई यार। दीदी वापस आ जाए यार, तू मर लेगी लिटरली, ऐसे खत्म है तू एक्चुअली, है ना। किसको फाइट करवाऊँ, ये तो खूंखार दरिंदा डोल रहा है भाई, हैं मैं तो कुछ लाया और नहीं इससे फाइट करने के लिए, आधी एच पी है। एक काम कर मिस्टर थंडरागोन, कम हियर, मतलब या आई नो कि तू फूक सकता है इसका मुर्दा, या यू कैन ब्रो यू कैन, क्योंकि यू आर स्ट्रॉन्ग ब्रो, यू आर वे टू मच स्ट्रॉन्ग।